एमएवीएन के ऑनलाइन क्लास में क्लास 8 और 7 और 8 दोनों में आपका सेम चैप्टर है। PA2 का ये फर्स्ट चैप्टर है आपका अध्याय 5 संज्ञा। संज्ञा क्या है? संज्ञा की परिभाषा सबसे पहले दी हुई है। संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति विशेष वस्तु गुण धर्म अथवा अवस्था का बोध कराने वाले शब्दों को हिंदी व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम, श्याम क्या हो गया? व्यक्ति का नाम है। सोहन व्यक्ति का नाम है। कानपुर स्थान का नाम है। मेज वस्तु है। गुण जैसे दिया होता है आपके अंदर, जैसे गुण दिया हो, जैसे आपके अंदर ईमानदारी है तो वो आपकी क्वालिटी हो गई, आपके अंदर गुण हो गया वो। धर्म अथवा अवस्था, यहाँ पर दिया हुआ है धर्म अवस्था, मतलब जैसे बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, युवा अवस्था हो गया, ये सब क्या है? आपकी अवस्था है, ठीक है। तो ये संज्ञा की परिभाषा दी हुई है। संज्ञा के भेद 5 आपके बुक में भी 5 दिए हैं। 5 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक, चौथा समूहवाचक, पांचवा भाववाचक। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति स्थान या वस्तु का बोध कराती है, जैसे राम, गंगा, पटना आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा में उन व्यक्ति स्थान या वस्तु का बोध होता है जो स्पेशली उनका नाम दिया हो, चाहे वो किसी स्थान का नाम हो, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो, एग्जैक्ट उसी के विषय में बताया जा रहा हो तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे प्रयागराज के बारे में, प्रयागराज व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगर कह दिया जाए शहर या सिटी, शहर, तो वो शहर में कई शहर आ जाए, कोई भी शहर आ सकता है, तो वो कौन सा होगा? जातिवाचक होगा। अब दूसरा क्या है जातिवाचक संज्ञा? जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है वे जातिवाचक संज्ञा कही जाती है। जैसे नदी, नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। नदी, नदी में सारी नदियाँ आ जाएंगी। अगर हम किसी नदी का नाम लेकर अगर कहें, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा, ऐसे नाम लेकर अगर कहेंगे तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा। अगर हम नदी कहेंगे तो वो जातिवाचक में आएगा। पर्वत, पर्वत में अगर किसी पर्वत का नाम लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा। अगर पर्वत कह देंगे तो वो जातिवाचक, उसकी जाति हो गई। बालक, बालक में अगर हम बालक कहते हैं तो बालक समूह में, बालक समूह में जितने भी बालक हैं वो सभी आ जाएंगे। भैंस, भैंस से सभी भैंस आ जाएंगी, जैसे काली, गोरी, नीली, पीली जो भी हो सभी आ जाएंगी। फिर उसी तरह कुत्ता दिया हुआ है, कोई भी, जैसे बहुत सारे नाम होते हैं, ये डाबर का है तो सेफर का, ऐसे नाम दिए रहते हैं, लेकिन उसमें सभी आ जाएंगे। ये जाति, विशेष जाति को संबोधित कर रहा है। तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी हो, ऐसी संज्ञा जिससे उस सामग्री या पदार्थ का बोध हो जिससे कोई वस्तु बनी हो, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ऊन, इन सभी चीज़ों से कोई ना कोई वस्तु बनती है। जैसे सोना है तो उससे पहनने का सामान बनता है, कान में, नाक में, गले में, कहीं भी। चांदी इससे भी, तांबा से बर्तन कुछ भी बनाते हैं, लोहा इससे भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ऊन, ऊन से भी बहुत सारे वस्त्र बनते हैं। तो वो
ठोस पदार्थ में आते हैं। द्रव पदार्थ में तेल, घी, दही, ये सब द्रव पदार्थ में आते हैं, जिससे तेल है। तेल से बहुत सारी सामग्री आइटम बनते हैं खाने पीने के। घी से भी हम बहुत सारे मिष्ठान बनाते हैं, दही से भी रायता वगैरह बनाते हैं, दही का कई चीज़ों में उपयोग करते हैं बनाने के लिए आदि। गैसीय पदार्थ जैसे धुआं है, ऑक्सीजन, ये भी द्रव्यवाचक में दिया हुआ है। आपकी बुक में नहीं है, मैंने थोड़ा सा ऐसे ही अपनी तरफ से डाल दिया है इसको। समूहवाचक, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक ना होकर समूह समुदाय के वाचक हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे समूह में आप का कक्षा हो गया, जब आप क्लास में बैठते हैं सभी एक साथ बैठते हैं। टीम हो गया, जहां 10-12 एक टीम में जो है 11 प्लेयर होते हैं, तो वो भी समूह हो गया। वर्ग, सभा, सभा कोई लगती, वहां भी समूह में लोग बैठते हैं। परिवार, परिवार में भी बहुत सारे लोग होते हैं, यानी अधिक संख्या में जहां लोग एकत्रित हों उस विशेष नाम को ही समूहवाचक कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे क्रोध, क्रोध, मिठास, बचपन, लंबाई, चौड़ाई, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बुक में भी दिए हुए हैं। तो ये क्या है? भाववाचक है। जैसे किसी को क्रोध आ गया तो क्या है, वो क्रोध जो है उसके अंदर से वो भाव आ रहा है। मिठास, जब हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो वो मुझे अंदर से फील होता है कि इसमें मिठास है। फिर उसी तरह बचपन, एक समय होता है, सभी लोग बचपन में, लंबाई, चौड़ाई, ये सभी क्या हैं? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर संज्ञा और संज्ञा के भेद, पांच भेदों के बारे में बताया गया है। उसके बाद कुछ विशेष में दिया हुआ है भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय तथा क्रियाओं से भी की जाती है। इनकी रचना इन सभी से भी की जाती है। जैसे आपके बुक में दिया हुआ है जातिवाचक संज्ञा दिया हुआ है, जाति तो जातीयता, मित्र मित्रता, क्षत्रिय क्षत्रित्व, स्वामी स्वामित्व, पराधीन पराधीनता, कवि कवित्व, ये संज्ञा से भाववाचक सर्वनाम, भाववाचक संज्ञा बनाने का है। ये संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाने में क्या है, जैसे अहम है अहंकार, निज का निजत्व, अपना का अपनत्व, मम का ममत्व, स्व का स्वत्व, पराया का परायापन। फिर विशेषण से अधिक से अधिकता, मधुर से मधुरता, स्वस्थ से स्वास्थ्य, गुरु से गुरुत्व, सफल से सफलता और बुरा से बुराई। अव्यय, अव्ययों से भाववाचक संज्ञा की रचना। अव्यय क्या होते हैं, जैसे दिया हुआ है अव्यय शब्द, इसमें दिख, जिनमें लिंग, वचन, इन सब में कोई बदलाव ना हो, वही अव्यय होता है। तो दिया हुआ है धिक से धिक्कार, मना से मनाही, दूर से दूरी, वाह से वाहवाही, निकट से निकटता, भीतर से भीतरी। फिर क्रियाओं से, यानी क्रिया जो कार्य किया जाता है उससे भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, पढ़ना है से पढ़ाई, लिखना से लिखाई, उड़ना उड़ान, देखना दिखाई, सुनना सुनाई, पूजा पूजना पूजा आदि, ऐसे बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं आपके। जैसे मनुष्य से मनुष्यता, स्त्री स्त्रीत्व, ये जातिवाचक है। मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा है जिसका भाववाचक संज्ञा होगा मनुष्यता। बंधु से बंधुता, मानव से मानवता, इसी तरह आपके बुक में दिया हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और इसमें जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं ये आपको स्वयं से करना है। ये 4 प्रश्न दिए हैं और इसमें भी 4 प्रश्न दिए हुए हैं। बाकी जो ये फिलिंग द ब्लैंक्स है ये मैं आपको PDF के माध्यम से तो दूंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, इसको करिएगा, और जो कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो उसे आप लोग बताइएगा। इसको फेयर कॉपी में करना, कॉपी स्कूल में चेक होगी।